हर दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं सिद्धार्थ शुक्ला का जो फर्स्ट लुक आखिरकार सामने आ चुका है, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। जी हाँ, जहां हम सब जानते हैं ये थर्ड सीरीज है। इसके पहले की जो दो जो सीरीज थी वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। अब इसका थर्ड जब सीरीज लेके आया गया है, तब से जनता बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी कि भैया किस तरह का लुक होने वाला है सिद्धार्थ शुक्ला का, किस तरह सिद्धार्थ शुक्ला इसमें नजर आने वाले हैं। बहुत सारे फैंस के अपने अपने सवाल थे कि आखिरकार कब उसका टीजर रिलीज होगा, कब उसका ट्रेलर सामने आएगा, कब ये ऑन एयर होगा। ये सारे बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब अभी जस्ट आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जब से एक तरह से इस सीरीज की तैयारी कर रहे थे, जहाँ हम सब जानते हैं एक तरह से ये पहला सीरीज है एक सिद्धार्थ शुक्ला का, जब वो ऑल बालाजी के साथ नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ बिग बॉस के बाद काफी सारे सॉन्ग्स में नजर आए थे, पर वो किसी डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए पहली बार नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सिद्धार्थ ने इस अगर मैं सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इसलिए भी चुना क्योंकि इससे पहले विक्रांत की सीरीज कर चुके हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा इस सीरीज को पसंद किया था और सिद्धार्थ ये बात जानते थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं जिसे ऑलरेडी जनता ने प्यार कर चुके हैं और वो एक नए तरह से इस सीरीज में नजर आना चाहते थे। उसी के बाद अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी इस सीरीज में नजर आने वाले हैं। अब जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का जो लुक आ चुका है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है टूटे हुए जो प्यार में लोग होते हैं बिल्कुल वो वैसे नजर आ रहे हैं, ब्रोकन हार्ट उनका साफ तौर पे उस फोटो में उनका नजर आ रहा है। वहीं एक फोटो में वो स्माइल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर एक छोटे से अगर मैं टीजर की अगर मैं बात करूं तो उसमें समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या कैसे होने वाला है क्योंकि ट्रेलर का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं 29 मई को ये ऑन एयर होने वाला है ऑल्ट बालाजी पे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किस तरह की सीरीज होने वाली है, कैसा होने वाला है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला पहली बार कुछ अलग किरदार में नजर आने वाले हैं, वो अपने किरदार को भी लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि लोग ऑलरेडी जब इसके दो सीरीज देख चुके होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है तो एक्टर पे एक प्रेशर भी होता है कि जब ये थर्ड सीरीज आ रहा है तो वो उसे बहुत अच्छी तरह निभाए और जनता को ये ना लगे नहीं यार कि चल दो बहुत ज्यादा अच्छे थे, तीसरा इतना अच्छा नहीं लगा। पर अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला की अगर मैं बात करूँ तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और अगर वो उस ब्रोकन अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर उसमें वो अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह से निकाल पाए तो आपको जनता को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल अगर मैं बात करूं तो ये हम सब जानते हैं, इसका टाइटल बहुत खूबसूरती से जो एक बात कहूं तो लिखा गया है कि टूटा हुआ दिल हो पर क्या हुआ खूबसूरत है। अब इसमें वो कितने बार वो दिल टूटेगा क्योंकि अगर आपने टीजर देखा होगा तो आपको एक बात थोड़ी समझ में आ चुकी होगी, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं बहुत लोगों से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आते हैं, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये आएगा, लोग टीजर का इंतजार कर रहे हैं, फैंस को ये लग रहा है कि कब बहुत जल्द वो सिद्धार्थ शुक्ला को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ तो सॉन्ग्स बहुत कुछ पल के होते हैं, इंसान एक्टिंग करता चला जाता है, पर वो एक्चुअल में एक सीरीज के जरिए अब लोगों के सामने नजर आने वाले हैं। तो चलिए मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 29 मई के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है सिद्धार्थ शुक्ला की ऑल बालाजी पे जाकर ये सीरीज देखने के लिए, प्लीज कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए यहीं बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।